अगर भूल गए हो, एकदम भूल गए, तो वन शॉट देख लिया उसका, लेकिन रिवीजन करना है आपको। समय 50 मिनट देखे, जितना रिवाइज हो बस उतना करना है, उसके बाद सो जाना है। अगर आप सुबह उठते हो और आप क्लूलेस रहते हो कि आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आज मैं किस सब्जेक्ट का रिवीजन करूं, किस टॉपिक का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं, तो इसका मतलब है कि आपको एक टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा नीड है। क्योंकि अभी तक आप बहुत ज़्यादा रैंडम स्टडी करते हुए आए हो, आपने कंसिस्टेंटली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, जिस दिन मन किया किया, जिस दिन मन नहीं किया उस दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, आपने रिवीजन किया ही नहीं है अभी तक। लेकिन अब दिसंबर आ चुका है और अगर आप अब अपने आप को चेंज नहीं करते हो तो बहुत लेट हो जाएगा और आप सिलेक्ट नहीं होगे, इसकी तो गारंटी मैं दे सकता हूँ। क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के और बिना रिवीजन के सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन की, कि आपको डेली करना है वो चीज़, और इसके लिए आपको टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ये मैं आपको इसी मंथ में क्यों बना के दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे याद है अपने फर्स्ट ड्रॉप में मैंने दिसंबर में ही क्विट कर दिया था, ये सोच के कि मेरा अभी सिलेबस बचा हुआ है और मुझे रिवीजन भी करना है, मेरे से दोनों नहीं हो पाएगा एक साथ। और मुझे उस समय एकदम ही आइडिया नहीं था कि इस टाइप का भी टाइम टेबल बन सकता है जहाँ पे दोनों को मैनेज किया जा सकता है साथ में, और इसीलिए मैंने उस समय क्विट कर दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था उस साल। और यही सोच के ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि इस साल अभी से टेंशन में आना स्टार्ट हो चुके हैं कि भैया हम तो अभी टेस्ट दे ही नहीं रहे थे, रिविजन कर ही नहीं रहे थे, सिलेबस भी हमारा इनकम्प्लीट है, कैसे सिलेक्ट हो पाएंगे हम लोग। तो उनके लिए ये वीडियो है ताकि वो अभी क्विट ना करें और इस वीडियो को देखने के बाद वो एक अच्छा टाइम टेबल बनाए, उसको फॉलो करें, और वो जो इंप्रूवमेंट उनको फिर दिखेगा इस टाइम टेबल बनाने के बाद, उसके कारण जो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो अपने आप उनको एक सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए काफी है। तो इसलिए ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आपको ये फॉलो करना है नहीं करना है, एटलीस्ट इसको एक हफ्ते के लिए फॉलो करो, क्योंकि उसके बाद जिसको भी कॉन्फिडेंस की दिक्कत है कि भैया हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, हम पढ़ते रहते हैं तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। जिसको भी मार्क्स में दिक्कत होती है कि भैया मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होता है, हमारा जो मार्क्स है वो आके स्टैग्नेंट हो गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो उनकी भी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। इस टाइम टेबल को बनाने के लिए कुछ रूल्स मैंने रखे हैं कि पहला, यहाँ पे बस दो टाइम फिक्स है, एक स्लीपिंग टाइम और एक वेकिंग टाइम, कब आपको उठना है कब आपको सोना है ये टाइम फिक्स है। इसके अलावा कोई भी टाइम स्लॉट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम लिमिट्स जरूर देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये है कि टाइम स्लॉट्स, मतलब कि ये नहीं बोलूंगा मैं कि 9 से 10 तक आपको ये करना है, 10 से 12 तक आपको ये करना है, यहाँ पे आपको टाइम लिमिट्स देखने को मिलेंगी, मतलब कि 2 घंटे आपको ये करना है, 3 घंटे आपको ये करना है। अब वो 2 घंटे आप कहीं कभी भी निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ऑल्सो ये जो मैं यहाँ पे टाइम बता रहा हूँ ये मैंने अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सुबह उठता था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। जो रात को लेट तक जग के पढ़ते हैं वो अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये जो आपको टाइम टेबल दिख रहा है इसमें मैंने दोनों बच्चों को इंक्लूड कर लिया है। वैसे बच्चे जो कि अभी सिलेबस कंप्लीशन के फेज में हैं, उन बच्चों का ये पार्ट है, और जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और वो अभी रिवीजन करने वाले हैं उनके लिए ये पार्ट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है और किस समय क्या करना है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है, ये मैं अपने लिए बता रहा हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप मॉडिफाई कर लेना। जो जल्दी उठते हैं वो इसको और जल्दी कर लेना, जो थोड़ा लेट उठते हैं उसको लेट कर सकते हैं। मैं 7 बजे सुबह उठ जाता था, ये सबसे पहले मेरा वेकअप टाइम था और ये दोनों बच्चों के लिए ही सेम रहेगा। उसके बाद जैसे आप उठोगे उसके बाद फ्रेश हो जाओगे, फ्रेश होने के बाद आपको 45 मिनट से 1 घंटा, स्टार्टिंग का जो पहला 1 घंटा है वो आपको देना है इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक के रिवीजन के लिए, और ये आपको ऑल्टरनेट डे पे करना है। मतलब आज मंडे को अगर आपने इनऑर्गेनिक रिवाइज किया है तो फिर अगले दिन आप ऑर्गेनिक रिवाइज करोगे, फिर उसके अगले दिन आप फिर से इनऑर्गेनिक रिवाइज करोगे, ऑल्टरनेट डे पे आपको ये रिवीजन रखनी है। और ये सेम है उन बच्चों के लिए जो कि अभी रिवीजन फेज में होंगे, जो कि अभी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और रिवीजन करने वाले हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे रखी कि भैया उठते उठते रिवीजन डाल रहे हो आप, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने सुना होगा ये चीज़ कि अगर आपको कोई बोले कि अगर आपको फ्रॉग खाना है तो आप कब खाओगे, तो उसमें कहते हैं कि सबसे पहले खाएंगे, मतलब सुबह उठते ही सबसे हार्ड काम है जो है वो आपको खत्म कर लेना चाहिए। और आपको पता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबसे वॉलेटाइल पार्ट है और उसको पढ़ना सबसे बोरिंग चीज़ लगती है, और अगर आप इसको एंड के लिए रखोगे, शाम के बाद रखोगे, तो उस समय आप थक जाते हो, आप ऑलरेडी सुबह का टाइम यूज़ कर चुके होते हो, आपकी एनर्जी कम हो चुकी होती है, उस समय रखोगे तो आप उसको उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की रिविजन रखी है। अब रिविजन के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगती है, एक है शॉर्ट नोट्स और एक रिएक्शन कॉपी। जिसने बनाया है उसके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मोस्टली लोगों ने नहीं बनाया होगा, और इसी शॉर्ट नोट्स ना होने के एक्सक्यूज के कारण बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिवीजन ही नहीं करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपकी टाइम टेबल में डाला है रिवीजन के लिए, और मैं खुद करता था क्योंकि मुझे याद है अपने ड्रॉप ईयर में एक ड्रॉप मेरा इसलिए लगा था क्योंकि मैंने पढ़ तो सब लिया था लेकिन रिवाइज नहीं किया था, तो एग्जाम में मेरे को फॉर्मूलाज ही याद नहीं आ रहे थे, रिएक्शन ही याद नहीं आ रही थी, नेम रिएक्शन मैं भूल गया था क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था उसको। और यही सोच के मैंने यहाँ पे रिवीजन इंक्लूड किया है आपके सिलेबस कंप्लीशन के साथ, क्योंकि बाद में मार्च एंड के बाद आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो आपको डेली रिवीजन करते हुए जाना है। अब जिन बच्चों ने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया हुआ है, उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो इस 1 घंटे के अंदर अगर रिवीजन करने बैठते हैं, उनको अगर रिवीजन का एकदम ही आइडिया नहीं है तो वो पेज पलटते रह जाएंगे। तो वैसे बच्चे इन फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हैं ताकि सबसे पहले जो हाई यील्डिंग पार्ट है
उनको वो रिवाइज करें और सिर्फ अनइम्पॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करने में टाइम अपना वेस्ट ना कर दें। इन फ्लैश कार्ड्स में समराइज वे में आपके 95% सिलेबस को कवर किया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने पे ध्यान दिया गया है। ये फ्लैश कार्ड्स दो साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड हैं, दैट इज एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रिपीटेशन। यहाँ पे फ्लैश कार्ड्स को देखते ही आपका ब्रेन ट्रिगर होता है उस चीज को याद करने के लिए, एक्टिव रिकॉल के बेसिस पे आप उसको याद करते हो, और दूसरा क्योंकि आप इसको बार बार यूज करते हो, इसका स्पेस रिपीटेशन करते हो, वो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा, अगर आप देखते हो इन फ्लैश कार्ड्स को बहुत ही ज्यादा कलरफुल बनाया गया है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको ये पढ़ते समय बोर ना करे, वो इसलिए है क्योंकि साइंस ने प्रूव किया है कि जो कलरफुल विजुअल्स होते हैं वो आपके मेमोरी को बूस्ट करने में काफी हेल्प करती है। और इसलिए जिनको भी ये दिक्कत है कि भैया हम लोग सिलेबस कंप्लीशन के साथ ये एक घंटा तो दे देंगे लेकिन हम फटाफट रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो 15 से 20 मिनट्स के अंदर इन फ्लैश कार्ड्स को यूज करके रिवाइज कर सकते हैं और इसको जरूर ले सकते हैं। ये फ्लैश कार्ड्स आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगा और लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल के दिया है, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं और टाइम टेबल को समझते हैं। उसके बाद जो भी बच्चे अभी सिलेबस कंप्लीशन के फेज में है, एक बार आपने सुबह उठने के बाद एक घंटा देख के रिवाइज कर दिया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिर आपको आराम से 7 घंटे बैठ के अपना जो भी लेक्चर आपका चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लेक्चर, जिनको जितने लेक्चर्स लेने हो ले सकते हैं, लेकिन याद रखना टाइम लिमिट आपका 7 आवर्स का है, 7 आवर्स के अंदर ही आपको सारे के सारे लेक्चर्स और नोट्स कंप्लीट करने। इसमें एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप डिटेल लेक्चर से देख लो, लेकिन बायोलॉजी को आप वन शॉट से देखो और एनसीईआरटी हाईलाइट करो, ज्यादा आपको बेनिफिट भी देगा और आपका टाइम भी यहाँ पे बचेगा। इन 7 आवर्स में आपको इजिली कंप्लीट कर पाओगे फिर इन तीनों सब्जेक्ट को। फिर ये करते करते आपका ऑलमोस्ट 4 बज जाएगा और 4 बजे तक आपको रखना है कि मैं 4 बजे तक लेक्चर वेक्चर देख के सब खत्म कर लूंगा, मतलब मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का रिवीजन और लेक्चर्स खत्म हो जाना चाहिए 4 बजे तक। उसके बाद आपको 1 घंटे का आप इजिली रेस्ट ले सकते हो, आपको अगर नींद अगर आप सो सकते हो तो सो लो, एक नैप ले लो, आपको बेटर रहेगा, आप एनर्जेटिक वापस से हो जाओगे और फिर आप जो मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है वो अच्छे माइंड के साथ जा सकते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि रेस्ट करने, मैंने बोला है रेस्ट करने में फोन चलाना नहीं आता है, क्योंकि अगर फोन चलाओगे तो वो एक एक्टिविटी हो गई जहाँ पे आपका ब्रेन एनर्जी ड्रेन कर रहा है और आप और ज्यादा थक जाओगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 घंटा आपको दिया है ताकि आप अपनी एनर्जी को वापस से रिस्टोर कर पाओ और फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जा पाओ। तो इसमें बेस्ट चीज ये है कि आप आराम से अपना खाना वाना खा लो और सो जाओ 1 घंटे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। फिर जब आप उठोगे उसके बाद आपको 5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, इसमें फिजिक्स को आप 1.5 से 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 1.5 टू 2 आवर्स डिपेंडिंग ऑन कि इनऑर्गेनिक चल रहा है, ऑर्गेनिक चल रहा है, फिर फिजिकल चल रही है, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो, और बायोलॉजी में 45 टू 1 आवर मोर देन एनफ है क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें आप डीपीपी सॉल्व कर सकते हो उस दिन जो हुआ है, आप उस टॉपिक के मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो, जो भी मैंने बताया हुआ है आपको पहले वो आपको सॉल्व करना है 5 घंटे के अंदर, ठीक है। तो ये करते करते आपको ऑलमोस्ट 10 बज जाएगा, तो 10 के बाद आप फिर से 45 मिनट्स अपना खाना वाना खा लो, डिनर कर लो, उसके बाद 10:45 के बाद आप जब सोने जाओगे, सोने जाने से 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, 50 मिनट्स बायोलॉजी रिवीजन को देना है। मान लो आपको कोई चैप्टर लग रहा है कि मैंने बायोमोलिक्यूल बहुत पहले पढ़ा था, उसको खोला आपने, रिवाइज कर लिया उसको, ठीक है। अगर भूल गए हो, एकदम भूल गए हो, तो वन शॉट देख लिया उसका, लेकिन रिवीजन करना है आपको, समय 50 मिनट देखे, जितना रिवाइज हो बस उतना करना है, उसके बाद सो जाना है। 50 मिनट्स आपने दे दिया बायोलॉजी रिवीजन को और 20 मिनट्स आपको देना है फॉर्मूला रिवाइज करने में, चाहे फिजिक्स का या फिर फिजिकल का हो, आपको फॉर्मूला रिवाइज करना है, एक चैप्टर का फॉर्मूला रिवाइज करके सोना है। इतना करते करते आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाना, ठीक है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं कि आपको कंप्लीट करके सोना है, आपने 1 घंटा 10 मिनट दिया रिवीजन के लिए और आप फिर सो गए। इसमें आप अगर देखोगे ध्यान से तो आपने फोन यूज बहुत कम किया है, सिर्फ जो भी फोन यूज किया है आपने वो लेक्चर के लिए किया है, और जब भी आप खाना वाना खा रहे होगे उस समय आप फोन देख सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो कि अभी रिवीजन फेज में है, मतलब कि अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर वो बच्चे जो कि अभी तो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन जैसे ही उनका सिलेबस कंप्लीट होगा वो इस टाइम टेबल में स्विच कर सकते हैं। सुबह उठोगे 7 बजे, पहला 1 घंटा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को रिवाइज करने में दे दोगे, उसके बाद का जो टाइम है उसमें आपको क्या करना है, 2.5 आवर्स आपको फिजिक्स के नोट्स रिवीजन में देना है, जिसमें आप थ्योरी रिवाइज करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करोगे, फिजिक्स में रिवाइज करोगे। इसमें एक चैप्टर आपको नहीं करना है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर यूनिट रिवाइज करनी है आपको। उसके बाद 1.5 आवर्स आप फिजिकल की रिवीजन में दोगे, ठीक है। आप फिजिकल में तो काफी कम चैप्टर्स बचे हैं, उसको रिवाइज करोगे, 2 दिन के अंदर आप पूरी फिजिकल रिवाइज कर पाओगे। अगर आप अच्छे से स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली, 1 हफ्ता अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो फिर आप हर दूसरे दिन आप फिजिकल कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे। ये करते करते आपका 12:30 हो जाएगा, 12:30 के बाद आपको 1 घंटे का रेस्ट ले लेना है, खाना वाना खा लो, लंच कर लो, उसके बाद आप सो जाओ 1 घंटे का, क्योंकि उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, लेकिन हम लोग यहाँ पे अब रिवाइज कर रहे होंगे, तो रिवाइज करते समय जो बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स है जो मैं यूज करता था वो था PYQ, तो आपको PYQ रिवाइज करना है, 2.5 आवर्स देना है फिजिक्स के PYQ रिवीजन में, जिसमें आप ट्राई करना है आपको कि 2 से 4 चैप्टर की आप PYQ सॉल्व कर पाओ। इसमें
अब बहुत बच्चे सोचेंगे कैसे हम लोग भैया ढाई घंटे में दो से चार चैप्टर की पीवाई की रिवाइज कर सकते हैं, तो वो ऐसे कर सकते हो कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट पीवाई की रिवाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, दिमाग में सॉल्व करोगे, जो सोचा सॉल्यूशन देखोगे, अगर सॉल्यूशन मैच कर गया तो उस क्वेश्चन को आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगर कहीं पे आपको डाउट होता है या फिर आपने गलत सॉल्व कर दिया तभी आप उस क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करोगे। इस तरीके से आप 2.5 आवर्स में इजीली 3-4 चैप्टर सॉल्व कर पाओगे एक टाइम के बाद। स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे लेकिन एक दो हफ्ते जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इजीली कर पाओगे। और फिर 1.5 आवर्स आपको केमिस्ट्री के पीवाई के रिविजन में देना है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया रिविजन के टाइम में। उसके बाद आपको फिर से एक घंटे का रेस्ट लेना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे रेस्ट आपको ज़्यादा दिया है इसके मुकाबले, क्योंकि जब आप रिवाइज कर रहे होते हो तो आप एक्टिवली अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हो, आप जल्दी एनर्जी आपका ड्रेन होता है, इसलिए यहाँ पे आपको फिर से एक घंटे का रेस्ट लेना है। और 7:30 के बाद आपको बैठना है बायोलॉजी के रिविजन में और 4 घंटे आपको बायोलॉजी रिवाइज करना है, जिसमें ट्राई करना है कि मैं आप 5 चैप्टर 6 चैप्टर रिवाइज कर पाऊँ बायोलॉजी। अगर आप ये कर पाते हो तो सिलेक्शन से कोई आपको नहीं रोक सकता है, चाहे आप ये करो या फिर ये करो, जो भी ये कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो भी सिलेबस कंप्लीशन कर रहा है उसमें ये चीज़ें और ये चीज़ ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एफर्ट है, और ये एक्स्ट्रा एफर्ट वही देगा जो बच्चा सीरियस है, और सीरियस बच्चा जो है जो रिविजन कर रहा होगा वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो दिसंबर में सीरियस हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए और इस टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करें ताकि नीट 2025 में वो सिलेक्ट हो जाए। अब ध्यान ये रखना कि ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ना, ये 14 आवर स्टडी का ऑलरेडी हो चुका है, तो अगर आप इससे लेट करते हो, मान लो आप फेब में आ गए, अब आप बोलोगे भैया कैसे सिलेक्ट हूँ, तो मैं बोलूँगा हाँ सिलेक्ट हो जाओगे, 18 घंटे पढ़ना है, लेकिन 18 घंटे पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो कहते हैं ना कि 6 घंटे का टाइम मोर देन इनफ होता है कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि उस समय जो स्टडी आवर की लिमिट है वो क्रॉस नहीं हुई होती है। 14 आवर्स मैक्सिमम स्टडी जो मैंने किया था अपने पीक पे, 14 आवर्स स्टडी किया था, उससे ज़्यादा नहीं कर पाया था मैं, तो ये मैक्सिमम एफिशिएंट स्टडी जो आप कर सकते हो ना, जिसमें आपके दिमाग में चीज़ें घुसेंगे जब आप पढ़ोगे, तो वो 14 आवर्स का ही है। इसलिए मैंने बोला है कि ये जो मैंने टाइम टेबल बताया आपको, चाहे रिविजन का हो या फिर सिलेबस कंप्लीशन का हो, 14 आवर्स का ऑलरेडी हो चुका है, तो अब डिले मत करो, इसको फॉलो करना स्टार्ट करो, एक टाइम के बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे। और फिर आप जब रिवीजन कर बाकी दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो वो सोचेंगे भैया ये कर कैसे पा रहा है, साथ में रिवीजन भी कर ले रहा है, सिलेबस भी कंप्लीशन कर रहा है, कर कैसे पा रहा है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो उस लेवल तक आप पहुंचो। तो ये टाइम टेबल जो है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल के दे दूंगा, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को, वहां पे आपको ये टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।